हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टावर में। और स्टडी विद टावर के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं IBPS के द्वारा, यानी कि इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के द्वारा निकली हुई है वैकेंसी। राज्य की जितने भी ग्रामीण बैंक हैं, उस ग्रामीण बैंक में सभी जितने भी ग्रामीण बैंक हैं उनमें ये वैकेंसी निकली हुई है, और उसी को लेकर के सारी जानकारी हम लेकर आए हैं कि उस वैकेंसी में क्या रिक्वायरमेंट है, एज लिमिट क्या है, और जो वैकेंसीज़ हैं वो कितनी हैं, क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो बता दें आपको कि इस वैकेंसी में एक कार्यालय सहायक होता है, ऑफिस असिस्टेंट होता है, जिसको हम क्लर्क भी बोल सकते हैं, उसकी वैकेंसी निकली हुई है। और ऑफिसर स्किल 1, ऑफिसर स्किल 2, ऑफिसर स्किल 3 की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। और इन वैकेंसियों के लिए क्या योग्यता है, और उसको हम डिटेल में इसमें चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है, इस नोटिफिकेशन में, इस पर डिटेल से देखिए आपकी, इसमें जो हेड ऑफिस हैं वो सारे के सारे लिखे हुए हैं, ठीक है ना। हर राज्य की जो भी बैंक होती हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक लिखी हुई है, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक लिखी हुई है, बैंक ऑफ बड़ौदा यूपी की कोई ग्रामीण बैंक है तो मध्य प्रदेश की लिखी हुई है, दो बैंक मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और मध्य प्रदेश। इसके अलावा इसमें देखिए मणिपुर का भी लिखा हुआ, मेघालय का भी लिखा हुआ है। तो जो भी राज्य हैं उनकी जितनी भी ग्रामीण बैंक है उसके बारे में सारी इसमें लिखी हुई है। पर इसको आप जरूर ध्यान से समझ लें कि हर एक राज्य के अलग अलग लैंग्वेजेस होते हैं। अगर आप दूसरे राज्य में अप्लाई कर रहे हैं, मान लो आप यूपी के हैं और हरियाणा में अप्लाई कर रहे हैं, हरियाणा के हिमाचल में अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप किसी और राज्य के हैं मान लीजिए और दूसरे राज्य में अप्लाई कर रहे हैं, तो आप उस राज्य की लैंग्वेज को जाना, आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इसमें ये योग्यता के साथ साथ जो जो भी लैंग्वेज की पाबंदियाँ हैं वो लैंग्वेज की पाबंदियाँ आप समझ लें इसमें, ठीक है। RRB जो क्लर्क, IBPS क्लर्क की जो वैकेंसी आती है, जो भी हमारी, उससे थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो है रीजनल लैंग्वेज का जो है ज्ञान होना भी ज़रूरी है। जैसे तमिल, मलयालम, तेलंगाना की उधर की जो लैंग्वेज है, पंजाब में जो पंजाबी वगैरह चलती है, ठीक है, और कन्नड़, कन्नड़ जो भी हमारे साउथ इंडियन की भाषाएँ हैं, उन लैंग्वेज की भाषा को ज्ञान आपको अगर है तो ही आप साउथ में अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब या बिहार, या की जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है, गुजरात में गुजराती चलती है, तो ही वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप जिस राज्य के हैं, जैसे यूपी हैं, तो यूपी में हिंदी चलती है, MP में भी हिंदी चलती है, तो आप इस तरह की जो जगह है वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले आप इंडियन होना ही चाहिए, ठीक है ना। उससे पहले एक चीज़ बता दें, इसमें जो एज लिमिट वाली बहानी, तो एज लिमिट बता दें तो सबसे पहले इसमें 1 जुलाई जो है वहाँ से एज को माना जा रहा है, ठीक है, ठीक है। और इसमें जो है आप 21 से, अगर ऑफिस असिस्टेंट की बात करें, आप ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो 18 से, ठीक है ना, 18 से 28 तक आप ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, 18 से 28। और आप इसमें 3 साल जोड़ लीजिए OBC के लिए, और ST SC के लिए 5 साल जोड़ लीजिए। इसके बाद अगर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के बाद बात करें, ऑफिसर स्किल वन जो असिस्टेंट मैनेजर कहलाता है, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 18 से 30 होती है और 21 से 32 होती है। पर ये ऑफिसर स्किल टू मैनेजर और सीनियर मैनेजर जो होते हैं, मैनेजर और सीनियर मैनेजर की जो है वैकेंसी के लिए आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है। किन दो के लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, मल्टी जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ है इसके लिए, और ऑफिसर स्किल जो असिस्टेंट मैनेजर है इसके लिए कोई भी आपको जो है जो एक्सपीरियंस है वो नहीं मांगा गया है। तो ये एज लिमिट की बात ही है। इसमें एक्स सर्विसमैन को भी जोड़ के बताया गया कि 8 साल तक वो कैसे उनको मिल सकता है, तो ये सब मैं नोटिफिकेशन आपको लिंक में जरूर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये भी बताऊँगा कि इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं, ऑफिशियल लिंक के बारे में भी बताऊँगा, ठीक है। आप घर बैठे बैठे COVID-19 के प्रकोप से बैठे बैठे घर बैठे भी आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो वेबसाइट बता दूंगा आपको, IBPS की वेबसाइट पर ले जाकर कैसे अप्लाई करना है। और आगे बढ़ते हैं, हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं, ठीक है, कि इसमें किस तरीके का जो है एज लिमिट बोला गया है, ठीक है। बढ़ते हैं धीरे से आगे, और ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से लेकर के और भी जो भी जानकारी है वो लिखी हुई है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए आप ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ जो है उसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री बोली गई है, ठीक है। बैचलर डिग्री जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ है उसके लिए बैचलर डिग्री की जो है क्वालिफिकेशन बोली गई। साथ में जो है आपका कंप्यूटर नॉलेज है वो डिजरायबल है, यानी कि वांछनीय है, केवल सॉरी अनिवार्य नहीं है, केवल एक्सेप्ट कह सकते हैं आप, ठीक है ना, जरूरी नहीं है, डिजरायबल में लिखा हुआ है और यह जरूरी है। पर आपका बैचलर डिग्री किसी भी कॉलेज से और कोई सी भी डिग्री हो आपकी, बैचलर डिग्री होना चाहिए केवल, और आपका कंप्यूटर इतना नॉलेज होना चाहिए कि आपको कंप्यूटर चालू बंद करना और एंट्री वगैरह करना आपको थोड़ी बहुत आता हो, ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर, तो ठीक है, वर्किंग नॉलेज हो थोड़ा बहुत कंप्यूटर का।
और एक जरूरी चीज़ जो मैं ले बता चुका हूँ कि आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। लोकल लैंग्वेज ज्ञान नहीं है तो फिर आप उसको नहीं कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो उसमें भी यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं था, मल्टीपर्पज़ में यहाँ पे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं लिखा था। ऑफिसर स्किल असिस्टेंट मैनेजर वाले में भी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, बस बैचलर डिग्री। और बैचलर डिग्री के साथ साथ आपको रीजनल लैंग्वेज तो होना ही चाहिए और जो कंप्यूटर का नॉलेज है वही होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, साथ में आपको प्रेफरेंस विल बी गिवन, कैंडिडेट उनको दिया जाएगा प्रेफरेंस जो कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग है, तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। केवल ये नहीं लिखा है कि आपको इन्हीं को ही लिया जाएगा, ठीक है। इनको ज़्यादा अच्छे से महत्वता दी गई है, पर आप अधिकांश लोग डालते हैं इसको, और इसमें होते भी हैं असिस्टेंट मैनेजर के, बड़ी पोस्ट है, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए भी दोनों के लिए आपको सेपरेट अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, अलग अलग फॉर्म के पैसे भी फिल करने पड़ेंगे। बाकी सब में एक एक ईयर के एक्सपीरियंस की बात है, तो थोड़ा सा जल्दी बता देता हूँ मैं आपको, वीडियो को ज़्यादा लंबा बिल्कुल नहीं खींचूंगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात। अगर इस फीस की बात करें, इसमें फीस जो है 850 रुपये लगेगी, ठीक है। और STSC और PWD जो हमारे कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए जो है 175 ही लगेगी केवल। बाकी जो जो हमारे जनरल के कैंडिडेट हैं, OBC के कैंडिडेट हैं, वो भाई OEWC के कैंडिडेट हैं, उन सबके लिए 850 रुपये फीस देना होगा। अब बात करें इसमें जो एग्जामिनेशन होगा वो किस तरीके का होगा। एग्जामिनेशन में प्रीलिम, एक प्रीलिम एग्ज़ाम होता है, एक अपना मेंस होता है उसके बाद, और उसके बाद होता है किसी किसी पोस्ट में इंटरव्यू होता है। तो किन पोस्ट में इंटरव्यू होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ऑफिस असिस्टेंट जो मल्टीपर्पज़ है उसके लिए कोई इंटरव्यू नहीं होता है। उस सबसे पहले इसमें मैम प्री होता है, इसमें 40 अंक का पेपर होता है, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होते हैं बाकायदा, और जो जो हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी है उसके 40 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल 80 क्वेश्चन, 80 मिनट, 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के होते हैं, ठीक है ना। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी एक गलत होने पर 0.25 आपका मार्क कट जाएगा, ठीक है। ड्यूरेशन क्या होता है, तो 45 मिनट आपका ड्यूरेशन होता है, ठीक है। कंपोजिट टाइम जो होता है वो 45 मिनट्स होता है, और 45 मिनट्स के अंदर आपको 80 क्वेश्चन करने होते हैं। पूरी एक्यूरेसी इसमें मेंटेन करना अनिवार्य है, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी ही बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है, ठीक है। सवाल इतने आसान होंगे कि आप कहेंगे कि घर घर के अंदर 1 घंटे में आप वहीं पे कर सकते हैं, पर 45 मिनट में करना वो बड़ी बात हो जाती है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, और मुश्किल से इसको 1 डेढ़ 2 महीने मिलते हैं। इसको पेपर आपको बताई दिया कि मैं अब नीचे आकर बताऊंगा आपको, इसमें लिखा हुआ है सितंबर अक्टूबर इसका पेपर भी है। इसके बाद इसमें बात करें अगर ऑफिसर स्केल 1 के लिए आने की असिस्टेंट मैनेजर जो है उसके लिए, तो इसमें भी 80 नंबर का प्रीलिमरी क्वेश्चन होता है, प्रीलिम का जो एग्ज़ाम होता है वो 80 नंबर का ही होता है, 45 मिनट में करना होता है इसको भी, ठीक है। और इसमें एक बात बता दें कि दोनों के जो है मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जो है वो लाना पड़ता है। बोथ पोस्ट ऑफ हैव टू टेस्ट ऑफ सिक्योर मिनिमम कट ऑफ मार्क, ठीक है। बोथ पोस्ट के लिए आपको जो क्वालिफाई करना पड़ेगा बोथ टेस्ट को, दोनों ही टेस्ट को कैंडिडेट को, ठीक है ना। अगर जो है दो पोस्ट के लिए भर रहा है वो, तो उसके लिए दोनों टेस्ट को वो जो मिनिमम सिक्योर मार्क है वो लाना पड़ेगा, ये इसमें लिखा हुआ है। और एडिक्यूट नंबर ऑफ जो कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑनलाइन मेन। तो दोस्तों इसमें हिंदी या इंग्लिश में से आपको कोई भी एक लैंग्वेज चुनने की आज़ादी दी जाती है। तो जिन लोगों के लिए इंग्लिश जो वीक है, जो इंग्लिश में कमज़ोर हैं, ठीक है, और वैसे भी बैंकिंग के जो पेपर्स होते हैं उनमें इंग्लिश काफ़ी हार्ड आती है, SSC की जैसे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, ठीक है, नॉर्मल इंग्लिश नहीं आती, थोड़ी बड़ी आती है, पेसेज आते हैं, 5-5 ऑप्शन होते हैं, तो हिंदी उसमें ऑप्शन होता है, और हिंदी बहुत ही आसान होता है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और काफ़ी सारे लोग वो जरूर जाते हैं, इसको फॉर्म फिल भी करते हैं, अप्लाई भी करते हैं, ठीक है, और साथ साथ वो सिलेक्ट भी होते हैं, जैसे कई सारे लोगों को जानता हूँ अच्छे से। तो आपको कंप्यूटर नॉलेज से, अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, और उसके बाद जो हिंदी है, और जो हमारा जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है 40 क्वेश्चन 50 नंबर की, इस तरीके से 200 क्वेश्चन का पेपर बन जाता है। और 200 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटे यानी 120 मिनट दिए जाते हैं, 120 मिनट आपको दिए जाएंगे। उन 120 मिनट के लिए में आपको 200 क्वेश्चन करना पड़ता है, ठीक है। ऑफिसर स्किल 1 की बात करें तो उसमें भी यही सेम चीज़ होती है, 200 क्वेश्चन होते हैं, यही सब्जेक्ट होते हैं, उसमें भी हिंदी इंग्लिश आपको एक ऑप्शन, हिंदी का ऑप्शन दिया हुआ होता है, ठीक है ना। तो ये RRB यानी कि रीजनल रूरल जो बैंक्स होती हैं, यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण की जो बैंक होती हैं, उनके लिए उनमें एक ऑप्शन यह अच्छा होता है कि आपको रीजनल भाषा जो अपने जो हिंदी है उसको आप चुनने चुन सकते हैं पेपर के, ठीक है, पेपर के लिए, ठीक है। और मीडियम की बात करें तो आप पेपर जिस पे भी देंगे उसमें आपको हिंदी इंग्लिश के अलावा जो आपकी रीजनल लैंग्वेज जिस प्रदेश की भी है उसको चुनने की आज़ादी है, वो उसमें लिखा हुआ आप स्पष्ट रूप से स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अपने अपने राज्य की जो भी लैंग्वेज है, गुजराती, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये सब इसमें लिखी हुई, ठीक है। अब बात करें कि इसमें ऑफिसर स्किल 2 और ऑफिसर स्किल 3 के लिए भी सिलेबस लिखा हुआ है, मैं वो भी आपको PDF इसमें आपको दे दूंगा मैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी PDF। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें बात करें अगर हम कट ऑफ मार्क्स की, तो उसमें आपको बताया है इसमें कि आपको जो है ईच कैंडिडेट को
एक ऑप्टेंड मिनिमम स्कोर आपको करना पड़ता है, ठीक है ना। एक हर एक सेक्शन का एक मिनिमम स्कोर कटअप बनता है और वो लाना पड़ता है, तभी आप अगले स्टेज में जाते हैं। तो वो आपको पता चल ही जाएगा जब आप इसका वो पैटर्न देखेंगे, ठीक है, और इसको पूरा पढ़ेंगे। साथ साथ इसके प्रीवियस ईयर की पेपर जरूर लगाइए अगर आप उसमें सफलता पानी है तो, ठीक है। एग्जामिनेशन के सेंटर की बात में यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें लिखी है, क्योंकि COVID-19 चल रहा है, तो COVID-19 से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो लिखी हुई हैं, क्या क्या आपको बड़ा सावधानियों बरतना है। कुछ इस एक चीज़ और इसमें बता दूँ मैं आपको कि इसमें ट्रेनिंग जरूर देते हैं कि आपको प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम कैसे देना है। तो कुछ सेंटर बनाए गए हैं, उन सेंटरों पर जाकर आप ट्रेनिंग जैसी ले सकते हैं, ठीक है ना। जो हमारे स्टेट के भाई बंधु हैं उन लोगों के लिए व्यवस्था दी जाती है, कुछ कुछ जगह इनमें ट्रेनिंग दी है, तो वो वेबसाइट पे आपको बता दूंगा और नोटिफिकेशन में भी लिखी हुई है, ठीक है। तो बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए इंग्लिश वो जो इंटरव्यू है अपना, वो इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है ना। और ऑफिस असिस्टेंट के साथ साथ जो हमारा और ऑफिस असिस्टेंट की बात हम बात करें ऑफिसर स्किल वन, जो है कि जो असिस्टेंट मैनेजर है उसके लिए आपको इंटरव्यू के दौर से गुजरना पड़ता है, ठीक है। और साथ ही साथ इस नोटिफिकेशन में और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी आपको अवगत करा रहा हूँ, ठीक है। आईएनटी में आपको क्या क्या रखना है, आपके पास आईएनटी में आपको जो भी हमारा आधार कार्ड है या फोटो आईडी में जो भी हमारे पास होता है आधार कार्ड, उसकी फ़ोटो कापी जरूर ले जाना, मतलब कहने का जो भी है उसकी फ़ोटो कापी आपको ज़रूर ले जाना पड़ता है। फ़ोटो कापी मेन है इसमें, फ़ोटो कापी अगर आपके पास नहीं रहेगी तो उस एग्जामिनेशन हॉल में आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और मार्क्स वगैरह जरूर ले जाना है, एक हैंड ग्लव्स जरूर ले जाना है, ये भी उन्होंने लिख दिया है। तो सब इंपॉर्टेंट चीज़ जो बड़ी बड़ी हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। साथ ही साथ आपको एक सैनिटाइज़र ले जाना है, छोटा जो पॉकेट सैनिटाइज़र है वो आपके हाथ की सेंटर में आप धोते रहें, और एक बॉटल ले जाना पानी की, अपनी खुद का पेन ले जाना, ये सब लिख दिया है इसमें। फॉर्म भरते समय क्या क्या चीज़ों का आपको पास होना चाहिए, फोटोग्राफ होना चाहिए, एक सिग्नेचर लगता है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगता है, और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन, चार चीज़ लगती है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको, लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगता है, सिग्नेचर लगता है, फोटोग्राफ लगता है, ठीक है। और आपको हैंड रिटन में लिखना क्या पड़ता है, तो ये लिखना पड़ता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आई ब्लैंक करके यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, तो मैं ये भी बता दिया आपको ताकि आप घर बैठे बैठे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और पेमेंट के बारे में बता दिया, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसमें यह बता दूँ कि कहाँ कितनी वैकेंसीज़ हैं, अब बड़ी बात वो बची हुई है कि किस जगह कितनी वैकेंसीज़ हैं, किस जगह कितने पद हैं, किस राज्य में, ठीक है। अगर उसकी बात करें हम, तो हम आते हैं सबसे लास्ट में, जो जो भी जितने भी हमारे बैंक्स हैं उसमें सारी जानकारी इसमें दी हुई है कि किस राज्य में कितनी पोस्ट हैं। ये टेंटेटिव शेड्यूल है, उसके पहले आपको देख लें, इस टेंटेटिव शेड्यूल में आप ऑनलाइन अप्लाई 1 जुलाई से 21 जुलाई तक कर सकते हैं। लास्ट डेट कितनी है, 21 जुलाई इसकी लास्ट डेट है दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ आप इसको जो है, जो हमारा प्री एग्ज़ाम का ट्रेनिंग का जो प्री एग्ज़ाम का जो ट्रेनिंग होगी उसके लिए आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं 12 जुलाई को, ठीक है। और प्री जो कंडक्ट किया जाएगा प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग का, जिन जिन चुनिंदा क्षेत्रों में जो लोग ट्रेनिंग जब पेपर देने से अवगत नहीं है, उन लोगों के लिए 24 जुलाई से 29 जुलाई के बीच, ये सॉरी 24 अगस्त से 29 अगस्त के बीच, यानी कि 8 29 8 तक, 24 8 से 29 8 तक आप उसमें ट्रेनिंग में जा सकते हैं, उसको देने के लिए जा सकते हैं। मेन है इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब होगा, तो इसका सितंबर अक्टूबर में लिखा हुआ है, सितंबर से अक्टूबर के बीच में कभी भी हो सकता है। रिजल्ट भी आपका अक्टूबर में जारी हो जाएगा, सब काम फटाफट होता है। IBPS का आप सब जानते होंगे, और नहीं जानते हो तो समझ लीजिए, ठीक है ना। IBPS क्लर्क को, IBPS RRB की जो ऑफिस असिस्टेंट की और असिस्टेंट मैनेजर है, ऑफिसर स्किल वन की जो वैकेंसी है, इन सब में फटाफट काम होता है, 4 महीने के अंदर तो आपको ज्वाइनिंग ही मिल जाती है, ठीक है ना। इसमें आपको ठीक है बता दिया मैंने, ऑफिसर स्किल वन और टू और थ्री के लिए इसमें इंटरव्यू होता है, ठीक है। वो इंटरव्यू भी आपको अक्टूबर से नवंबर, या नवंबर मान लीजिए आपका इंटरव्यू हो जाएगा। प्री की बात करी थी हमने, अक्टूबर में मेन प्री का मेन आ जाएगा आपका जो रिजल्ट है। मेंस कब होगा, तो मेंस जो होगा आपका ये होगा आपको भी अक्टूबर नवंबर में, ठीक है ना। महीने महीने भर के अंदर मेंस हो जाता है, और महीने भर बाद जिनका इंटरव्यू होना हो उनका इंटरव्यू हो जाता है। ऑफिस स्किल वन में होता है इंटरव्यू, जो ऑफिस असिस्टेंट है उसमें आपको इंटरव्यू नहीं होता है। अब बड़ी बात इसमें बची है, कहाँ किस जगह कितनी वैकेंसीज हैं, कितने पोस्ट हैं, तो उसके बारे में भी एक डिटेल में ये चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ आप स्पष्ट रूप से आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिएगा। सबसे पहले जो कॉलम बना हुआ है, उस कॉलम में ST, फिर SC, फिर OBC, फिर EWS और जनरल, ठीक है ना। और एक्स सर्विसमैन सबसे लास्ट है, ठीक है दोस्तों। और जो PWD की जो हमारे कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए जानकारी इसमें लिखी हुई है। तो आंध्र प्रदेश की जो दो गैंग की उनकी जानकारी लिखी हुई है, ST, SC, OBC और जनरल के हिसाब से। जो बिहार की जानकारी लिखी हुई है, बिहार बंधु हमारे जो देख सकते हैं 10, 45, 15 पोस्ट, 27 पोस्ट, ठीक है, छत्तीसगढ़। ये आपको ठीक है इत्मीनान से देखना पड़ेगा, एक इत्मीनान से बैठ कर देखना पड़ेगा। मैं आपको जो भी
स्क्रीन पे आप इसको पॉज लगा के देख सकते हैं, आप अपने हरियाणा की देख सकते हैं, ये जनरल है, EWS है, ये OBC है, ये ST ST लिखी हुई है, कर्नाटक है, ये केरल की लिखी हुई है, 00 मध्य प्रदेश में 2 बैंक, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, मध्यांचल ग्रामीण बैंक, तो इसमें इसमें 141 जनरल में है, 35 है EWS में, और OBC 53 है, 53 ST ST में लिखी हुई है, ठीक है। महाराष्ट्र की बैंक की बात करें तो महाराष्ट्र में भी लिखी हुई है आपकी 6 पोस्ट और 1 पोस्ट है, ठीक है। पिछले बार की अपेक्षा थोड़ी सी पोस्ट कम आई है, तो इसलिए भी कंपटीशन थोड़ा सा टफ बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये सारी पोस्टों की जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है, 274 उत्तर प्रदेश, 396 उत्तर प्रदेश से, आर्यव्रत बैंक है, बड़ौदा यूपी बैंक है, आर्यव्रत बैंक, बड़ौदा यूपी बैंक, ठीक है। और ऑफिसर स्किल बनने के लिए यहाँ पे जानकारी लिखी हुई है, तो ये आपको नोटिफिकेशन में इत्मीनान से पढ़ना पड़ेगा, या आप पोस्ट लगा के भी यहाँ पे देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पे चला रहा हूँ। और भी कोई जानकारी हो आपके पास जो आप मांगना चाहते हो, आपके दिमाग में उठ रही है कोई भी जानकारी, तो आप हमारे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा तो आप बताइएगा ज़रूर, इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आप हमारे चैनल पर जुड़ जाइए, ठीक है, सब्सक्राइब कर करके। और सारी जानकारी जो इम्पोर्टेंट है वो आपको लेटेस्ट जो भी गवर्नमेंट की वैकेंसीज हैं उन सारे, तो दोस्तों जितनी भी जो भी गवर्नमेंट की लेटेस्ट अपडेट होती है, जो भी वेबसाइट जो भी वैकेंसीज आती हैं, जितने भी वेबसाइट पर जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, वो हम हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सबको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो मैं आपको बताऊंगा कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कैसे हम इसको देख सकते हैं, इस नोटिफिकेशन को भी पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और साथ साथ अप्लाई कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन, वो भी आप देख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। तो ये आ गए हम गूगल पे, कुछ नहीं करना आपको, IBPS लिखना ओनली, ठीक है ना, IBPS.in लिख दीजिए, तो आप सबसे पहले जो भी वेबसाइट खुलेगी उस पर आपको क्लिक करना है, IBPS.in, उसके अंदर आप घुसेंगे ना, जैसे ही आप अंदर मारेंगे एंट्री, तो आपको जो है इसका जो नोटिफिकेशन है कुछ इस तरीके से, जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा, और उसमें जो नोटिफिकेशन जो न्यू करके आ रहा है उस पर क्लिक कर देना, कुछ नहीं करना आपको, ऐसा क्लिक करना, क्लिक हेयर टू अप्लाई, ठीक है ना, RRB 9 लिखा है ना उस पर, एडवर्टाइजमेंट पर एडवर्टाइजमेंट निकल जाएगा, और ऑनलाइन अप्लाई पर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ना, आपके पास एक इस तरीके का एक इंटरफेस निकलेगा, और इस तरीके का जो है वेबसाइट का इंटरफेस दिखेगा, सबसे ऊपर आपको ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन दिया जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा ऑफिसर स्किल 1, 2, 3 के लिखा है, यहाँ पे जो भी ऑफिस असिस्टेंट या और सबका हमारे पास जो भी एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ पे दिखेगा, आप इसको भी क्लिक करेंगे तो फिर से आप ऑनलाइन अप्लाई वाली लिंक पे जाएंगे, और उसके बाद आपको क्या है वेबसाइट, उस वेबसाइट पर आप पहुँच जाएंगे जहाँ से आप उसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपका पूरा फॉर्म खुलेगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड है तो वो तो पहले जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे ना इस पर क्लिक करने के बाद, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड मिलेगा, और उसके बाद आप इस पर अप्लाई इस उन दोनों को लिख के कैप्चा को फिल करके यहाँ पे सबमिट करेंगे तो सारी जानकारी मिल जाएगी। आप इस पर आएंगे तो आपको देखिए डेट भी लिख रहा है कब से कब तक, 21 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन फीस है वो भी आपको 21 तारीख तक फिल करना है, ठीक है ना। यहाँ पे आप न्यू अप्लाई करना है माई रजिस्ट्रेशन या न्यू रजिस्ट्रेशन।